नमस्कार, स्वागत है आपका खबरदार टॉप 10 में। आइए नजर डालते हैं दिनभर की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ, कहा कांग्रेस ने कभी वंचित वर्ग के महत्व को नहीं समझा, इंदौर के नरेंद्र से किया स्वागत। सागर विधायक से सीएम बोले लालच मत करो, बहुत हुआ, मांगों की लिस्ट लेकर पहुंचे थे शैलेंद्र जैन, डॉक्टर मोहन यादव ने 6 घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को सागर में मंच से घोषणाएं कर रहे थे। विजय वर्गीय बोले नकुलनाथ और कमलनाथ से फर्क नहीं पड़ता, जबलपुर में कहा हम 29 लोकसभा सीट जीत रहे, नकुल बोले हम भी राम भक्त। पिता ने बेटी दामाद का अपहरण किया, पीटा, बैतूल की युवती बोली जलाकर मारने या फांसी पर लटकाने का प्लान कर रहे थे। सांसद नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ ने गेहूं काटा, ग्वालियर सांसद शेजवलकर का ट्विटर अकाउंट हैक। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ की पत्नी एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बहू प्रियानाथ का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। नए विश्वविद्यालय के बाद सीएम मोहन ने सागर के लोगों को दिया एक और तोहफा, मिलेगी बड़ी सुविधा, इसी सत्र से विश्वविद्यालय कामकाज करना शुरू करेगा, यहाँ के बच्चे जो कोर्स चाहेंगे वो सारे के सारे खोले जाएंगे। पीएम मोदी ने वर्चुअली किया पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ, धार में हुआ कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। मंदसौर और पिपलिया मंडी स्टेशन के बीच 2 हिस्सों में बटी मालगाड़ी, 17 डिब्बे ट्रैक पर ही छूटे, जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस 2 घंटे तक मंदसौर स्टेशन पर खड़ी रही। चुनाव ड्यूटी के लिए नियमित कर्मचारियों की कमी, संविदा के लिए मांगी अनुमति, मतदान दल के लिए चाहिए 2,58,000 कर्मचारी, उड़नदस्ते आदि व्यवस्थाओं के लिए 13,000 कर्मचारियों की जरूरत। मध्य प्रदेश में अब सीधा डॉक्टरों के खाते में जाएगा ग्रामीण क्षेत्र भत्ता, भत्ता लेने के लिए सीएमएचओ कार्यालय के काटने पड़ते थे चक्कर, तरह तरह की आ रही थी शिकायतें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार।